के पीछे रह गया प्रसाद बांटने के चक्कर में। ये देखो सभी को दिया और आपको दिखाता हूँ पापा को। चेक दिस आउट गाइस, सो ब्यूटीफुल। हम लोग आगे निकल रहे और मैंने सब कुछ तैयार किया था, स्टैंड वगैरह वो मैंने घर पे तोड़ दिया। आई मीन थोड़ा गुस्सा हो गया था इसलिए। और अभी क्या मैं आपको बताता हूँ, इनके जो बारे में इनकी जो तारीफ करें वो कम ही है, क्योंकि ये खूबसूरत है। आई मीन जो पप्पा का हमारी जो प्रतिमा है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अभी तक आपने ऐसी प्रतिमा सिर्फ वॉलपेपर में ही देखी होगी, ना कि वो रियल में देखी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ वो रियल में है, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल, इतने ज्यादा खूबसूरत, आपको ही शायद ही कहीं देखने को मिले। हमारे गांव में आपको स्थापित होने जा रहे हैं उनका जो मंदिर है। हमने आपको बताया गांव में दिखाया वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो आपको मैं पीछे दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। फाइनली हमारे गांव में एंट्री हो गई है और अभी हम लोग बस आगे चलने वाले हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, गच्चा बहुत तगड़ा और पेड़ भी है और अभी गौर से दिखाएंगे चलिए मंदिर पे। अभी पप्पा का तिलक किया जाएगा और वो यहाँ पे रखे जाएंगे इस बेसमेंट के ऊपर और घोड़े हैं। हमारा जी झंडा लेके जा रहे और अभी हम लोग यहीं पे देखो भगवा कलर की तब प्यारा लग रहा है, अभी शोभा और बढ़ेगी। देखो भाई बाबा का स्वागत कुछ इस प्रकार से, पूरे में गुलाब और अभी तैयारियां चल रही है भाई यहाँ पे लाने की।
तो लाइक शेयर कमेंट और बाबा के लिए एक लाइक जरूर कर दो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देख लो कितने खूबसूरत हैं।